सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो जेंट्स शर्ट में कॉलर लगता है वो वाला कॉलर हम लेडीज कुर्ता में लगाकर आपको बताएंगे। उसके लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें जेंट्स कॉलर वाली कुर्ती बनानी सिखाएं। तो मेरे पास ये कुर्ती है, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग हुई हुई है, ये हमारा बैक का पल्ला है, इसको हम हटा देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला है, इसके ऊपर अब हम कटिंग करेंगे। ये जैसे हमारा फ्रंट पीस है तो इसको हमने ऐसे रखा, यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लगाएंगे पहले 3.25 इंच, जो हमने जो हमारी कॉलर के लिए जहाँ लगना है कॉलर वो वाला गला अब यहाँ पे कटेगा। 3.25 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया और यहां से अब हम लगाएंगे 3.5। ये हमने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाना है और इसको अब हम इस तरह गोल कर देंगे और यहाँ पे अब हमारी ये गोलाई आ जाएगी। और इसके आगे हमने गला कितना डीप रखना है वो आपकी चॉइस होगी कि आपका गला आप कितना गला पहनोगे। तो मैंने ये गला 8 इंच डीप करना है। ये हमारी यहाँ पे निशान आ जाएगा, यहाँ पे एक हम पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले हम इसकी गोलाई कट करेंगे। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से जो हमारी गोलाई आएगी गले की। ये हमारा आगे का गला कट गया। अब हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी बनानी है। तो ये मेरे पास वेस्ट बुकरम है जो हमारी गले में यूज होती है, तो उसको मैं यूज करूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमारी पट्टी हमने यहाँ तक बनानी है और ये बुकरम मुझे यहाँ तक चाहिए बस। और इसमें से मैं एक पट्टी निकाल लूंगी। ये हमारी पट्टी निकल गई। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे नाप के। ये हमारा यहाँ पे निशान आ गया। इतनी हमने पट्टी इसके अंदर लगानी है। अगर ये आप पट्टी नहीं लगाते तो भी काम चलेगा, लेकिन इसको लगाने से थोड़ी हार्ड हो जाएगी ये वाली जगह, तो इससे कॉलर हमारा थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा, एकदम से गिरेगा नहीं। तो आपने बिल्कुल एक पॉइंट हटा के बस जितनी आपकी सिलाई आनी है उतनी आपने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। ये देखिए, ये हमारी इस तरह कटिंग हो गई। अब हम इसको पहले कपड़े पे अटैच करेंगे। अब इसे हम इस कपड़े पे अटैच कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस है हमने बराबर रखना है दोनों साइड से। और अब इसे यहां से कट करके इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम सिल देंगे। अब ये वाला सेंटर हम इसके कुर्ते के यहाँ पे रख के इसको सिल के पल्टी कर देंगे। और ये देखिए, इसमें एक है कि ये मेरे पास पट्टी लगी हुई है। अगर आपके पास पट्टी लगी हुई है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगी है तो आप सीधा यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। और इसे अब हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और इसे सिल देंगे। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के आपने इसको सिलना है। अब हम इसे यहां से कट कर देंगे। ये आपने बड़े ध्यान से कट करना है, कोई भी सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। और अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके यहां पे बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी पट्टी अब इस तरह कट इस तरह आ गया। अब हम ऊपर इसका तीरा जोड़ेंगे, फिर कॉलर की गोलाई नापेंगे। अब हम इसके तीरे जोड़ेंगे पहले, ये दोनों तीरे मीन्स शोल्डर, ऊपर से जो शोल्डर होता है वो जोड़ेंगे। कई लोग पूछते हैं कि तीरा क्या होता है, तो ये जो ऊपर वाली शोल्डर की कटिंग होती है इसे हम तीरा बोलते हैं।
तीरे जोड़ने के बाद हम गले की गुलाई देखेंगे कि हमारा जो कॉलर कटेगा वो कितना कटेगा। तो हमने ये दोनों किनारे हैं जो हमारे, इनको हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से अब हम इसको सिलना ना सॉरी इसको नापना शुरू करेंगे। ये अच्छी तरह आपने इसको नापना है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है, मतलब 8.5 इंच के करीब है, ये हल्का सा एक पॉइंट ऊपर है, तो इसे अब हम इतना ही नाप लेंगे बुकरम के। अब हम आपको कॉलर की कटिंग बताएंगे। जो कॉलर की कटिंग है वो उसके लिए मैंने जो ये बुकरम ली है ये 3.5 इंच चौड़ी है, तो हमारा जो कॉलर बनना है वो 8.5 बनना है, लेकिन हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है, यहाँ पे कॉलर की शेप भी आएगी। तो यहाँ पे अब हम पहले 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऊपर, 1 इंच का निशान लगा के यहाँ पे अब हम हल्की हल्की सी गुलाई देते जाएंगे इसको। ये हमने 1 इंच पे यहाँ पे खत्म कर देनी है, ये हल्की सी गुलाई देनी है और यहाँ पे अब हम 1 इंच छोड़ इस वाले निशान से, यहाँ पे 1 इंच है ये हमारा, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। पहले 1 इंच हमारा ये हो गया और 2 इंच हमारे कॉलर की अब चौड़ाई होगी, ये हमारा यहाँ पे 3 इंच आ गया, यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई हो गई और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है हमारा जो ये बचा हुआ ये भी हमारा 3 इंच है, तो अब हम यहाँ इसको इस तरह मैच कर देंगे। ये इधर से गुलाई दी, इधर की इधर से दी, ये इस तरह चलेगा। और अब हमने यहाँ पे गले की जो हमने गले में फिटिंग देनी है, मतलब कितने इंच का गला लगेगा हमारा, वो हम यहाँ पे नाप लेंगे। ये आया था हमारा इतना, इतना हमारा गला है। और गले की हमने जो ये कॉलर देना है आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है, आप कितनी टेढ़ा चाहते हो गला, अगर ये सॉरी कॉलर कितना चाहते हो, इतना चाहते हो या फिर ज़्यादा चाहते हो तो इधर मिला दो, अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए आपको ये वाली नोक चाहिए, जितनी तीखी नोक चाहिए उतना ही आप इसको टेढ़ा कर दीजिए। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये हमारा इस तरह कॉलर कट गया और ये हमारा कॉलर इस तरह जब हम लगाएंगे तो हम बाहर की तरफ इस तरह आ जाएगा। तो अब हम इसको कपड़े पे अटैच करते हैं। अब हम इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। ये कपड़े की जो चौड़ाई है लंबाई है वो आप इसी हिसाब से कट कर लें पहले। तो अब हमने सीधी साइड नीचे रखी है, उल्टी साइड कॉलर के बिल्कुल ऊपर रखी है इस तरह, तो सीधा कपड़ा हमारा नीचे की तरफ है, उल्टा है ये वाला। तो अब हमने इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसे अब हम यहाँ पे कॉलर को सिल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हिले ना हमारा कॉलर। ये हमने कॉलर यहाँ पे सिल भी लिया और नीचे से फोल्ड भी कर लिया। अब हम इसके इस साइड कपड़ा लगाना है हमने, तो इसे अब हम इसके ऊपर रखेंगे। ये कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए और इसके ऊपर अब हम इसको रख के पहले हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, साइड की सिलाई हम बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह सिल देना है। ये हमारी यहाँ पे सीधी सिलाई लग गई और इसको हम अच्छी तरह इस तरह सेट करके कपड़े को इस तरह पहले ये वाली सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम सिलाई डबल करेंगे कि हमारी सिलाई जब हम कॉलर अटैच करें तो खुले ना। और अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है ये वाली, और यहाँ से हमने पहले कॉलर अच्छी तरह इस तरह सेट कर लेना है कि कहीं झोल ना आए। अब हम पहले इसे नीचे से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा सिलाई में आएगा और ये जो है ऊपर का कपड़ा अब हम इसे भी कट कर देंगे जो है एक्स्ट्रा है हमारा। और ये भी हम कट कर देंगे यहां से।
अब हम यहां से इसके कट कर देंगे। और अब हम इसे इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारे अब कॉर्नर निकलेंगे यहाँ पे। ये जो है, एक मिनट आपको बता दूं, यहाँ पे कपड़ा नहीं होना चाहिए कॉर्नर पे बिल्कुल। ये थोड़ा कम होगा यहाँ पे तो हमारा कॉर्नर अच्छा निकलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे कपड़ा कट कर देंगे, बाकी की जगह रहेगा कपड़ा इसी तरह। अब हम इस कॉर्नर को अच्छी तरह निकालेंगे। ये मैंने पेन लिया है, एक पेंसिल पेन, आप कुछ भी ले लीजिए, सिलाई हो आपके पास वो भी चल जाएगी। तो अब आपने इसका कॉर्नर इस तरह अच्छी तरह निकाल देना है ये। अब आपने दूसरा कॉर्नर भी इसी तरह निकालना है। ये हमारा कॉर्नर इस तरह निकल गया। अब हमने इसको अच्छी तरह, या तो आप इसे प्रेस कर लीजिए, अगर प्रेस नहीं करनी है तो आप इस तरह हाथ से अच्छी तरह इसको सेट करके आप इसके ऊपर एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। इससे ये हमारे कॉलर में फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा कॉलर रेडी हो गया। तो अब हम इसको शर्ट पे अटैच करेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो सिलाई लगानी है वो हम डबल लगा सकते हैं, उससे थोड़ी और अच्छी ग्रेस आती है। इस तरह हम हल्का सा इसके साथ में, ये जेंट्स कॉलर में ऐसी डबल सिलाई होती है, तो आपने इसके साथ साथ में एक सिलाई और लगा दी। अब इसे अब हम शर्ट पे अटैच करेंगे। अब हम इसके ऊपर कॉलर अटैच करेंगे। जो हमारा कॉलर है सीधी साइड हमने ऐसे रखना है, और शर्ट भी हमारी सीधी होनी चाहिए, कॉलर भी हमने बिल्कुल इस तरह सीधा, ये हमारी साइड सीधी वाली आनी चाहिए यहाँ पे, ये उल्टा उल्टी साइड से नहीं लगाएंगे। तो आप इसे यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल किनारे से। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे फिनिशिंग आनी चाहिए। और अब हम इसे इस तरह सिलते जाएंगे। यहां पे थोड़ा इस तरह ध्यान से आपने सिलाई लगानी है। कोई भी कपड़ा आपने खींचना नहीं है, ढीले हाथ से लगाना है, क्योंकि हमने जो नापा था तो वो अब पूरा बना हुआ है हमारे पास कॉलर। और सबसे बड़ी बात, हमने पीछे के गले में कोई कटिंग नहीं देनी, पीछे का गला हमारा एज इट इज लगेगा। क्योंकि जब हम बैन कॉलर लगाते हैं तो पीछे के गले में हम 1 या 1.25 इंच की कटिंग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हमने देनी बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो है ये हमारा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कॉलर और ये कपड़ा नीचे वाला शर्ट का, वो हमारा बिल्कुल पूरा है। और हमने यहाँ पे अब सिलाई लगा देनी है, क्योंकि जो हमने नापा था ना वो दोनों हमने बराबर बनाए थे। अगर आप थोड़ा भी कम ज़्यादा बनाओगे तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा। अब हमने, ये देखो कॉलर तो हमारा लग गया है, अब हमने यहाँ पे फिनिशिंग देनी है इसको, कॉलर को। ये हमारे देखो धागे से निकले हुए हैं और ये सिलाई भी अभी खुली पड़ी है। तो अब हम इसे इस तरह सिलना शुरू करेंगे। ये जो है हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा, और बिल्कुल जो धागे हैं, जो भी हमारा कपड़ा है, हमने इसे अंदर की तरफ इस तरह डाल के सिलना है। पहले हमने कॉलर की अटैचमेंट की थी यहाँ पे, तो वो हमने सीधी साइड से की थी। अब हम जो करेंगे इसको ऊपर वाले को, अब हम उल्टी साइड से, ये शर्ट अब हमने उल्टी रख ली, तो अब हम इसे इस तरह सिलेंगे।
यहाँ पे थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप बस इतनी, इसमें जगह ही इतनी है कि हम आपको अच्छी तरह दिखा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि ये अच्छी तरह आपको नजर ना रहो, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ, ज्यादा नहीं लगा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए। कॉलर को हमने अच्छी तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके और धागे जो हैं, कपड़ा है, वो सब अंदर की तरफ डाल देना। और ये जो है हमारा यहाँ पे ये सिलाई में आया हुआ है शोल्डर वाला कपड़ा, इसको थोड़ा कट कर देंगे कि यहाँ पे खिंचाव ना पड़े शोल्डर में। यहाँ पे सिलाई हम थोड़ी डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अब सिलाई का एंड है, तो इसे कट करके अब मैं आपको कॉलर निकाल के दिखाती हूँ। ये कॉलर लग गया है, अब हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है, यहां से तो देखिए ये इस तरह आएगा, और ये जो है ऊपर से। अब ये हमारा कॉलर लगकर रेडी हो गया है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे पट्टी भी हमारी बिल्कुल बराबर आई है, और कॉलर की हमने जो शेप है वो भी हमने पूरी दे दी है, और ये अब लगकर बिल्कुल रेडी हो गया। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह फोल्ड होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमने पूरा कॉर्नर से निकालना है, यहां से कॉर्नर से निकाला और ये ऊपर की तरफ हमारा ऐसे आ गया। तो ये हमारा कॉलर इस तरह लगकर रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।